ये हमारा संभागीय स्तरीय मीटिंग है, बैठक है, जिसमें पूरे सरगुजा संभाग के कर्मचारी साथी एकत्रित हैं, पदाधिकारी, और हम लोग आज आने वाले कल की रणनीति बना रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे सामने प्रदेश स्तर पर तीन बातें सामने आई हैं। एक सबसे पहले है जिसपे वेतन विसंगति है, तेंदुपत्ता के कार्य से पृथक रखा जाए या हमको एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाए, जो पुलिस पे 13 माह का वेतन दिया जाता है। हम 12 महीना तेंदुपत्ता का काम करते हैं लेकिन हमारे कर्मचारी साथी भाइयों को उसका लाभ नहीं मिलता। हम इस बैठक के माध्यम से सरगुजा से प्रारंभ कर रहे हैं कि हमको एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाए, ये हमारा मांग है। इसके साथ ही सेटअप के संबंध में है, जिसमें हमारे प्रधान मुख्य संरक्षक महोदय के द्वारा जो सीधी भर्ती के माध्यम से 100% पदोन्नति होते थे, उसमें उनके द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है शासन को कि 33% पदोन्नति से और 67% सीधी भर्ती का, जिसका छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ विरोध करता है। यदि वो मांग हमारी पूरी नहीं होती है और 100% पदोन्नति से नहीं भरे जाते तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगा, जिसका खामियाजा जो है वो शासन और प्रशासन को भुगतना